एक मेरी विनती आप लोगों से कि एक बिल्व वृक्ष जरूर लगा देना, एक बिल्व वृक्ष का पेड़ जरूर लगा देना। शिव महापुराण कथा सुनते हो आप शिव की उपासना करते हो, एक बिल्व वृक्ष का पेड़ जीवन में जरूर लगा देना। अगर मैं कथा प्रारंभ हो गई है मेरी, बिल्व वृक्ष के पेड़ के साथ साथ एक पिंपल का पेड़ लगा सकते हो तो लगा लेना। जो जीवात्मा एक पिंपल का पेड़ लगाता है उसको उपनयन संस्कार करता है, पिंपल को भी जनेऊ दिलाई जाती है, उसका उपनयन संस्कार करता है, फिर उसका विवाह करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य खुल जाते हैं। और कथा में तो यहां तक लिखा गया है कि जो जीवात्मा अगर किसी के पुत्र नहीं हो, अगर किसी के पुत्र ने, लोग कहते हैं कि पुत्र के बगैर गति नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इस बात को अलग से प्रमाणित करते हैं, अगर किसी के पुत्र नहीं है, अगर पिंपल के पेड़ को लगाकर उसका पुत्रवत पालन करे, बहुत गहरी बात लिख रहा हूं, कोट करना बोल रहा हूं, आप लिख लो, अगर किसी के जिसके पुत्र नहीं हो और पिंपल का पेड़ लगाकर उसका पुत्रवत पालन करें, उसका उपनयन संस्कार करवाएं, जब पिंपल बड़ा हो जाए तो पिंपल का विवाह भी करने का भाव है, और पिंपल का विवाह कर देवें, और पिंपल का विवाह करने के बाद आप जब कभी भी आपका महाप्रयाण होगा, आप संसार छोड़कर जाओगे, वो पिंपल आपकी और आपके पूर्वजों की सदगति कर देगा। एक पिंपल, लेकिन लगाना ही आसान नहीं है, पिंपल को पालना पड़ता है। कल एक परिवार के लोग मेरे पास बैठे थे, कल की बात, कल परिवार के लोग मेरे पास बैठे थे और उन्होंने कोई बात चल पड़ी हुई, कोई बात यूं ही चल पड़ी, तो मैंने उनको यूं ही कह दिया, भैया आपके घर में हमको लगता कोई पिंपल का पेड़ था। कल शाम की बात है, शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास कुछ भक्त लोग आए थे मेरे पास मिलने के लिए कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, महाराज जी हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो मुझे जैसे गुरु आज्ञा लगी, मैंने बताया, भैया हमको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कोई पिंपल काटा गया है। तो भैया वो पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, उनके साथ 5-7 लोग और थे, 5-7-10 लोग उनके साथ और आए थे, पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, फिर उन्होंने कहा, महाराज जी हमारा एक बहुत बड़ा बाड़ा था, बाड़ा मतलब अपने मारवाड़ी लोग तो समझते हैं, एक बहुत बड़ा प्लॉट कह दो, एक बहुत बड़ा प्लॉट था, तो प्लॉट के अंदर हमको मकान बनाना था और वो पिंपल बीच में था और हमने उस पिंपल को काट दिया। और जिस दिन से हमने उस पिंपल को काटा महाराज जी, उस दिन के बाद हमारे जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, यहां तक उसका बेटा भी भगवान को प्यारा हो गया, क्या बताएं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी भी स्थिति में पिंपल मत काट देना। पिंपल के पेड़ लगाने का जो पुण्य है वह आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य को बदल देगा। करोड़ों कथा सुनो, किसी नदी के तट पर जाकर सुनो, लेकिन अगर आप एक पिंपल का पेड़ लगा देते हो मेरे बहन भाई, तो आपके पूर्वज किसी भी लोक में हो, मैं नहीं जानता। तो फिर उन्होंने कहा, महाराज जी अब इसका समाधान क्या है। मैंने कहा, भैया पिंपल जिसके हाथ से कट जाता है उसका फिर समाधान नहीं होता है, फिर का ही समाधान, कौन अपने पर ले, कोई फिर अपने पर कोई नहीं लेना चाहता है, समाधान फिर नहीं है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जिंदगी में कभी पेड़ मत काट देना, कभी कभी भी पेड़ मत काट देना।
पेड़ कभी, अरे लगाइए भैया, काट नहीं सकते, काट क्यों काटते हो, लगा नहीं सकते तो काटने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया। तो कोई भी जीवात्मा विल्व वृक्ष का पेड़ लगाती है, पिंपल का पेड़ लगाती है, उसके यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, दोनों। ये तो सुधर ही गया। अब हम कई बार कहते, कोई आदमी गाय का दान करता है, गाय का दान करना चाहिए, गाय का दान करना बड़ी बात नहीं, गाय के दान के साथ साथ उसके पीछे 12 महीने का चारा, हरा चारा भी देने का विधान है। मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंदिर की सेवा होनी बहुत बड़ी बात है। आज लोग मंदिर बना देते हैं लेकिन सेवा नहीं होती है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सेवा होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसकी सेवा नहीं हो रही है, तो जो यजमान जिन्होंने पूजा करवाई उसको धीरे 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 उसका पतन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई उसके बाद अगर उसको सेवा पूजा भोग बंधन नहीं हो रहा है समय पर, तो यजमान के लिए बड़ा घातक काम हो जाएगा। इसलिए भैया मैंने कई बार कहा है, बहुत सोच विचार कर काम करो, बगैर सोचे कुछ न करो। मैं बड़ा सटीक बोलता हूं तो वो लोग बोले कि महाराज जी कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, कि गुरु जी हम आपको गुरु मान, अब हम आपको रोज टीवी में सुनते हैं, क्या आप हमारे भाई ठीक है, आपको हम रोज रेगुलर सुनते हैं, कुछ रास्ता तो निकाल लिए गुरुवर। मैंने कहा अभी कुछ समय नहीं है। तो ऐसी बात, अरे लोग तो पिंपल लगाते हैं, तूने पिंपल को काट दिया, नहीं। तो जिसके घर में पिंपल उग जाते हैं, छत पर उग जाते हैं, कईयों की दीवारों में उग जाते हैं, वो क्यों उग जाते हैं पता है? वो इसलिए उग जाते हैं कि तुम अपने पितरों को आपने जल देना बंद कर दिया। वो तुम्हें एहसास करवा रहे हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं काटो मत। तो महाराज जी आप अपने पितरों को जल देना प्रारंभ कर दो, उनसे प्रार्थना करो, हे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, हमसे कोई भी गलती हो गई क्षमा करें आप, और रोज जल देना प्रारंभ कर दो, मटके का जल से, घड़े के जल से, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, घड़े के जल से आप रेगुलर जल देना प्रारंभ कर दो, धीरे 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 वो पिंपल का पेड़ अपने आप चला जाए, अपने आप खत्म हो जाएगा वो। आप प्रैक्टिकल करके देखना, और मैं जो बोला उसको प्रैक्टिकल किया करो, मैं ये बोल के छोड़ू यूं मत किया करो, मैं तो प्रैक्टिकल वाला आदमी हूं भैया, मुझे लाखों लोग रोज संस्कार टी पर सुनते हैं, मैं बड़ा सटीक बोलता हूं, कि मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा एक ही स्वार्थ है कि आपका भला हो, आप लोगों का कल्याण हो, क्योंकि मैं बाबा श्याम के दरबार में बैठकर कथा गाता हूं और श्याम बाबा हारे का सहारा है, ये शीश का दानी है, ये हारे का सहारा है, और इस दरबार से कोई कभी खाली नहीं जाता है। और आज तो बारिश भी श्याम बाबा की है और प्रदोष भी श्याम महादेव का है, तो आज शिव और श्याम का तो मिलन है, आज तो शिव और श्याम का दिव्य मिलन है, ये तो मिलन का दिन है, और इस दिन शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़े परम सौभाग्य नहीं हो सकता। तो आप जल देना स्टार्ट करो अपने पितरों को, तर्पण करना स्टार्ट करो, वो पिंपल का पेड़ अपने आप चला जाएगा। हाँ, कई चीज एक समय लगता है, बाद में बड़ी तकलीफ होती है, कोई ऐसा तुम्हारे द्वारा पाप हो गया, ऐसा कोई गलत कार्य हो गया है, वो भोगना तुम्हें भी पड़ेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी क्या करें, मैं तो एक बार कहता हूं, कई बार आप अपने पितरों की सदगति करवा दी, लोग तो कहते गति, मैं तो कहता हूं गति नहीं सदगति कराओ, गति तो बहुत छोटा शब्द हो जाता है, आपके पूर्वजों की सदगति हो जाएगी तो आपकी तो अपने आप ही हो जाएगी। तो महाराज जी सदगति कहां करवाएं, पितरों को जल नहीं दे पा रहे, जीवन में कुछ अपराध बन गए, कुछ पाप बन गए, तो भैया आप गया जी आइएगा, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर ही आपका बेटा मनुश्री गया जी में रहेगा। मैं 16 दिन हर साल गया जी में रहता हूं, श्राद्ध में, आपको सबको पता है, जो मुझे रोज सुनते हैं संस्कार टीवी पर, सत्संग चैनल पर आप सुनते ही थे पहले, अब रेगुलर आप मुझे संस्कार भी सुन रहे हो,
तो हर साल में 16 दिन गया में रहता हूँ। अगर आपके घर में आपके परिवार में कोई पितरों का दोष है, आप अपने पितरों की मुक्ति चाहते हो, पितरों का पिंडदान करना चाहते हो, तर्पण करना चाहते हो, गया श्राद्ध करना चाहते हो और पितरों के निमित्त वहां पितृमोक्ष भागवत सुनना चाहते हो, गया जी में कोई व्यक्ति अगर 7 दिन तक अपने पितरों के लिए कथा भी सुन लेता है तो भी पितरों की मुक्ति हो जाती है। तो 16 दिन मैं वही रहूंगा, आप एक दिन आइए, 3 दिन आइए, 7 दिन आइए या 16 दिन आइए, आइए अपने हाथों से पूजा करें, तर्पण करें, अपने पूर्वजों को जल देवें और वहां पितृमोक्ष श्रीमद भागवत कथा सुने और उस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। तो आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जरूर 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 गया श्राद्ध करवाइएगा, गया जी आइएगा। ये तो एक सूचना थी छोटी सी, और ये बेलपत्र का पेड़ लगा देना, बस ये मेरी विनती है। क्योंकि मैं जब शिव महापुराण पढ़ता हूं और शिव महापुराण को जब मैं कोट करता हूं, लिखता हूं, मैं हर चीज लिखता रहता हूं जो मुझे अच्छा लगता रहता है। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत चीज बताई, फिर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें और लगती कहीं से भी मिले तो मैं लिख लेता हूं। और आज तो मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा आप दंग रह जाओगे कि महाराज जी ऐसा भी कभी हमने सुना ही नहीं। और एक आप कोशिश किया करो, शिव पर कौड़ी चढ़ाया करो, कौड़ी होती ना जो विवाह के अंदर बांधते हम लोग, वो कौड़ी शिव पर दूध के साथ चढ़ाया करो, मजा आ जाएगा। कच्चे कल मासिक शिवरात्रि है, कल चढ़ा देना, कल चढ़ा देना, ये शाम को चढ़ा देना। आज ये कच्चा दूध है देसी गाय का, ये भैंस वाला नहीं चलेगा भाई, ये गड़बड़ तो आपकी यहीं कर देते हो, गड़बड़ आप यहीं से करते हो कि भैंस वाला नहीं, देसी गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा ले लेना चाहिए। देखो अमृत अमृत होता है, देसी देसी होता है, डालडा घी खाई इससे अच्छा देसी घी इतना सकाओ, लेकिन इतना सा खाओ ना, वो काम लगेगा अंदर जाकर, वो अंदर जाकर काम लगेगा। तो एक कौड़ी ले लेना और उसको दूध के अंदर डाल देना, और दूध के अंदर डालकर उस कौड़ी को भगवान शिव पर चढ़ा देना, आज शाम को चढ़ा देना नहीं कल चढ़ा देना। और अगर वो कौड़ी वह दूध पहले विल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे रख दिया जाए कुछ पल या कुछ मिनट, और उसके बाद शिव पर चढ़ाया जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। थोड़ी सी देर वो कौड़ी कच्चे दूध में रख दो, डाल दो, और मीठा मत करना उसको, ध्यान रखना मीठा बिल्कुल मत करना, उसमें थोड़ा सा डाल दो और शाम को अपने हाथों से शिव पर चढ़ा दो। और अगर और विशेष कृपा चाहिए कि महाराज जी पैसा आ जाए तो 8:30 से 9:30 चढ़ा देना, रात को 8:30 से 9:30 प्रदोष, और कल मासिक शिवरात्रि है कल। महाराज जी बस और तो सब ठीक है, ये बात आपने अच्छी बताई, आप भी समझ में आ गई कथा, ऐसी ऐसी बातें बताया करो, हम बहुत खुश रहेंगे, पूरी कथा सुनेंगे हम, अपने चाचा चाची ताऊ ताई दादा दादी नाना नानी बुआजी पुंबाजी सबको फोन कर देंगे, अरे कथा आ रही है सुनो। यूं तो आप रोज कहते हो फोन करो, हम करें ना करें हमारी मर्जी है, लेकिन ऐसी बातें बताओगे तो हम कर ही देंगे भाई, कर दिया करो। ये कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। भले आप कथा करवाए ना करवाए, अगर कथा सुनते हो और किसी को सुनवा देते हो तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का सौदा है, ये कोई सामान्य सौदा नहीं है, ये बहुत बड़ा सौदा है पुण्य का, ये कथा का दान है। और जिस शिव महापुराण को आप सुन रहे हो, इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। जब भगवान शिव ने सबसे पहले शिव महापुराण को बनाया तो उसमें बहुत सारे श्लोक लिखे, बहुत श्लोक थे, करोड़ों की संख्या 80 श्लोक होगी। भगवान शिव ने जब सबसे पहले शिव महापुराण बनाया, स्वयं महादेव ने बनाया,
तो इसी महापुराण में करोड़ों 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 श्लोक थे, लेकिन कलयुग को देखते हुए व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया। 24,000 श्लोक है श्री महापुराण में, और गायत्री में अक्षर भी 24 ही है। गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं तो उसमें भी अक्षर 24 ही है, और शिव महापुराण में भी 24,000 श्लोक है। 7 संगीताएं हैं शिव महापुराण में। जो जीवात्मा ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 शिव महापुराण की कथा सुनता है, शिव महापुराण की कथा करवाता है, या शिव महापुराण कथा को बांधता है स्वयं, या किसी के सामने बैठकर बंसवाता है, महाराज जी हम पढ़े लिखे नहीं कैसे बांचे, तो शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो एक काम करो, शिव महापुराण की पोथी पर यूं हाथ फेर लो। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, तो शिव महापुराण की पोथी पर यूं हाथ फेर लो और गंध अक्षत पत्र पुष्प से पूजा कर दो। अरे गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, गोपियां ने कृष्ण को पाया। जो बड़े बड़े योगियों की योग में नहीं आता, साधक की साधना में नहीं बनता, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गोपियां उनको छचैया पर छाछ पर नचा देती है यार। वो पूर्ण है, वो तुम्हारी हर चीज देखता नहीं है, वो केवल तुम्हारे भाव देखता है। तेरे अंदर क्या भाव है, वो भावों से ही शिव की पूजा करोगे तभी आप लोगों का सहज भाव से कल्याण संभव है। तो 24,000 श्लोकों का यह दिव्य ग्रंथ महापुराण, शिव महापुराण, पुराण नहीं है, इसको महापुराण बोला गया। और यह दिव्य इस 7 संगीताओं में यह अद्भुत पुराण समाहित है। विद्येश्वर संगीता से यह पुराण प्रारंभ होता है, और यह पुराण धीरे 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 भगवान शिव की ओर लेकर जाने वाला है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सुनते रहोगे धीरे 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 रोज, लेकिन सुनना पूरा मन लगाकर, आपको पूरी कथा धीरे से आपके मन में प्रवेश कर जाएगी। तो शिव तत्व प्रवेश कर गया तो भैया उसके बाद तो जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। हाँ, अब देखो विल्व वृक्ष, मैं आज विल्व पत्र की बात करूंगा। एक साधक ने प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न ले लूं पहले। एक साधक ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है, महाराज जी अभिषेक का जिक्र करें आप, हम प्रदोष को भी अभिषेक करते हैं और हम रोज शिव का अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र कर दें ताकि प्रदोष की हमारी पूजा शाम को सफल हो जाए और कल मासिक शिवरात्रि की पूजा भी हमारी सफल हो जाए। तो भैया ये प्रश्न आया है, एक साधक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, अगर आप गन्ने से गन्ना और गन्ने से शिव का पूजन करते हो, गन्ने के रस से, गन्ने के रस से अगर आप शिव का अभिषेक करते हो, आपके घर में धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा और आपके घर में रोग से मुक्ति होती है। गन्ने से, गन्ना से लक्ष्मी बहुत आती है। और अगर वो पारद के शिवलिंग पर गन्ना का रस चढ़ा दिया जाए, पारदेश्वर, पारद का शिवलिंग, पारदेश्वर शिवलिंग पर अगर पारे का होता है उसे लक्ष्मी बहुत आती है। जिसके घर में पारे का शिवलिंग होता है वो लक्ष्मी आती ही आती है, क्यों, लक्ष्मी को खींचता है वो। बड़े बड़े साधक लोग, बड़े बड़े जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, जो भजनानंदी लोग हैं, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, वो पारे का शिवलिंग रखते हैं, पारद का शिवलिंग, वो लक्ष्मी को खींचता है। लगभग तो नर्मदेश्वर रखते हैं। जय श्री श्याम, आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगर वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।